हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लास। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 3 12th बायोलॉजी। अभी तक इस चैप्टर में हमने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में युग्मक जनन, और युग्मक जनन में सबसे पहली जो हेडिंग है वो थी हमारी शुक्र जनन। युग्मक जनन में सबसे पहली हेडिंग हमने स्टार्ट की थी शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा था इसको? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को हमने दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। कौन कौन से? सबसे पहले तो था स्पर्मेटिड्स का निर्माण। सबसे पहले क्या देखा हमने? स्पर्मेटिड्स का निर्माण। और दूसरा था हमारा शुक्राणु जनन, या इसको शुक्र कायंत्रण भी कहा जाता है। या तो इसको शुक्राणु जनन कह दो या इसको शुक्र कायंत्रण कह दो। तो हमने स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन जो था, इस चरण को हमने पार्ट वन के अंतर्गत देख लिया था। क्या कहा था हमने इसमें? कि सबसे पहले क्या होती है हमारे पास? आद्य जरण कोशिकाएं होती हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं। आद्य जरण कोशिकाएं लगातार कई समसूत्री विभाजन द्वारा एक विशेष कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहा। इतना क्लियर था? स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि करती है, और आकार में वृद्धि करने के बाद इसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। तो क्या बनेगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है मियोसिस फर्स्ट, और यहां पर होता है म्यूसिस सेकेंड, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। और जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, तो इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? तो यहां पर आ जाता है हमारा स्पर्मेटिड्स। क्या बना था? स्पर्मेटिड्स। तो ये चरण हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। क्या थी हेडिंग? स्पर्मेटिड्स का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। और इस प्रावस्था को हमने तीन प्रावस्थाओं में बांटा था। इस अवस्था को हमने तीन प्रावस्थाओं में, कौन कौन सी? सबसे पहले गुणन प्रावस्था, उसके बाद हमने देखी वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी हमने देखी परिपक्वन प्रावस्था। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारी सेकंड हेडिंग, किसके अंतर्गत? शुक्र जनन की क्रिया में पार्ट टू लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? शुक्राणु जनन, शुक्र कायंत्रण। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपके लिए, और क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 400। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 400। क्या कहा था मैंने? मैंने आपको कहा था कि हमारे पास मान लीजिए 100 स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है? 100 स्पर्मेटोगोनिया है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 100 स्पर्मेटोगोनिया है, और प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं? 4 बनते हैं। तो 100 स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे? 400। कितने बनेंगे? 400। तो ये उस क्वेश्चन का क्या हो गया? हमारे आंसर हो गया। चलिए हम दूसरी हेडिंग लगाते हैं। क्या है? शुक्राणु जनन या शुक्र कायंत्रण। तो अभी तक किसकी बात की? पिछले लेक्चर्स में अभी तक क्या देखा, क्या नहीं देखा? एक जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसका सॉल्यूशन मैंने यहां पर करा दिया है। तो हम दूसरी हेडिंग डालते हैं, शुक्र कायंत्रण, या इसी को कहा जाता है शुक्राणु जनन। और शुक्राणु जनन किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है शुक्र जनन के अंतर्गत, और इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम दिया जाता है इसको? स्पर्मियोजेनेसिस। तो शुक्र कायंत्रण या शुक्राणु जनन। देखिए, अभी तक हमारे पास क्या बन चुकी हैं? 4 स्पर्मेटिड्स बन चुकी हैं। क्या बनी है ये? ये है हमारे पास स्पर्मेटिड्स, यानी कि शुक्राणु पूर्वी। इनका निर्माण किससे हुआ है? तो स्पर्मेटोगोनिया से हुआ है। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु पूर्वी बनते हैं? तो आंसर होगा 4।
तो अभी तक हमारे पास क्या बनी, चार शुक्राणु पूर्वी स्पर्मेटिड्स बन चुकी हैं, और जो स्पर्मेटिड्स बनी है ये गोल या कह दूं गोलाकार एवं अचल होती हैं, गोलाकार एवं अचल होती हैं, नॉन मोटाइल। अब इन चारों स्पर्मेटिड्स जो हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है, स्पर्म का निर्माण किया जाता है। और हमें पता है स्पर्म एक गतिशील संरचना है, स्पर्म क्या है, एक गतिशील संरचना है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे हम, गोलाकार एवं अचल शुक्राणु पूर्वियों का, गोलाकार एवं अचल स्पर्मेटिड्स या शुक्राणु पूर्वी का क्या लिखेंगे इसके लिए, गोल नहीं है अब ये, कैसा हो गया, चल हो गया, चल एवं गतिशील, चल एवं गतिशील, किसमें बदलना, शुक्राणु में बदलना, क्या कहलाएगा, तो ये हमारी हेडिंग का जो नाम है वो कहलाएगा। कैसे कि गोलाकार एवं अचल स्पर्मेटिड्स का, गोलाकार एवं अचल स्पर्मेटिड्स का चल एवं गतिशील शुक्राणु में बदलना क्या कहलाएगा, शुक्राणु जनन या शुक्र का यांत्रण कहलाता है। क्योंकि एक स्पर्मेटोगोनिया थी, एक स्पर्मेटोगोनिया से हमारे पास कितनी, चार स्पर्मेटिड्स बने हैं, और चारों स्पर्मेटिड्स से प्रत्येक से एक शुक्राणु का निर्माण होता है, एक स्पर्मेटिड से एक शुक्राणु का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता कि एक स्पर्मेटोगोनिया से, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे, तो कितना आएगा आंसर, चार आएगा। तो स्पर्म बोल दो या फिर स्पर्मेटिड्स बोल दो, कितने आएंगे, चार। तो इस परिभाषा को हम नोट करते हैं, इस परिभाषा जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, इसको हम नोट करते हैं कि गोल एवं गतिहीन, या अचल कह सकता हूं, गोल एवं गतिहीन स्पर्मेटिड्स का, गोल एवं गतिहीन स्पर्मेटिड्स का चल एवं गतिशील, हालांकि एक ही शब्द है, एक ही मतलब है इसका, गोल एवं गतिहीन स्पर्मेटिड्स का चल एवं गतिशील धागेनुमा शुक्राणु में बदलना क्या कहलाएगा, शुक्र का यंत्रण कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्र का यंत्रण। तो यानी कि क्या मतलब निकला, एक स्पर्मेटोगोनिया से चार स्पर्म्स का, यानी कि शुक्राणु का, चार शुक्राणुओं का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, चार शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब एक और चीज हमने देखा था, ये शुक्रजनन नलिका है हमारी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके पास कुछ कोशिकाएं ऐसी थी जो कि पिरामिड के आकार की थी, जबकि कुछ कोशिकाएं कैसी थी, घनाकार थी, कुछ कोशिकाएं कैसी थी, घनाकार थी। याद आ रहा है आपको, अगर याद नहीं आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस बच्चे को याद आ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका रिविजन हो रहा है एक तरह से, क्या हो रहा है, रिविजन। हमने कहा था ये आधे जनन सेल्स हैं, और इनके द्वारा ही किसका निर्माण किया जाता है, सबसे पहले स्पर्मेटिड्स बनेंगे, क्या बन जाएंगे, पहले चरण के अंतर्गत स्पर्मेटिड्स बन गए। अब ये स्पर्मेटिड्स जैसे ही शुक्र कायांतरण की क्रिया आती है, यानी कि स्पर्मेटिड्स से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का, तो शुक्राणु क्या करते हैं, अपने सीड्स के द्वारा किन कोशिकाओं में धसे हुए होते हैं, तो इन कोशिकाओं का नाम क्या होता है बेटा, शर्टुली कोशिकाएं, इन कोशिकाओं का नाम क्या है, शर्टुली कोशिकाएं। तो जो शुक्राणु बन रहे हैं, ये अपने सीड्स द्वारा शर्टुली कोशिकाओं में धसे रहते हैं, कहां पर धसे रहते हैं, शर्टुली कोशिकाओं में। अब याद कीजिए शर्टुली कोशिकाओं का हमने कार्य पढ़ा है, शर्टुली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, पढ़ा है, याद आ रहा होगा, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, शुक्राणु के अवशिष्ट कोशिका द्रव्य का भक्षण करना, यानी कि, और शुक्राणु जैसे अभी कैसा था, गोल था, शुक्राणु तो बना ही नहीं था अभी, तो स्पर्मेटिड्स रूप में था, तो गोल था, तो इसके पास कोशिका द्रव्य ज्यादा था, तो इस कोशिका द्रव्य का क्या कर लिया जाता है, भक्षण कर लिया जाता है, किसके द्वारा, शर्टुली कोशिकाओं के द्वारा। और भी हमने लिखे थे इनहिबिन हार्मोन जैसे स्त्रवण करना, तो अगला स्टार क्या लिखेंगे हम, बनने वाले
शुक्राणु अपने शीर्ष द्वारा शरटुली कोशिकाओं में धसे रहते हैं। क्या कहा कि जो बनने वाले शुक्राणु हैं, जो शुक्राणु बन रहे हैं, वो अपने शीर्ष द्वारा शरटुली कोशिकाओं में धसे रहते हैं। किसमें धसे रहते हैं? शरटुली कोशिकाओं में धसे रहते हैं एवं पोषण प्राप्त करते हैं। आपको पता है शरटुली कोशिकाओं का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, या परिवर्धित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। तो ये यहाँ पर क्या होती है, हमारी दूसरी हेडिंग जो है स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र कायांतरण या शुक्राणु जनन की क्रिया पूरी हो जाती है। बस एक लाइन और लिखनी है कि शुक्राणुओं का उत्सर्जन मैथुन क्रिया के दौरान, शुक्राणुओं का उत्सर्जन मैथुन क्रिया के दौरान मादा की योनि में, शुक्राणुओं का उत्सर्जन मैथुन क्रिया के दौरान मादा की योनि में कर दिया जाता है। तो ये क्रिया अब यहां पर होती है समाप्त। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। हो गया, चलिए इसको हटा देता हूं मैं। अब देखिए, जो हमारी बुक में एक चित्र दिया गया है, उस चित्र के बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए चित्र के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये है हमारे पास एक 2N सेल। कौन सी सेल? 2N, यानी कि द्विगुणित कोशिका। इसको नाम दिया जाता है आद्य जनन कोशिका। क्या नाम दिया गया है इसको? आद्य जनन कोशिका, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। इसके द्वारा लगातार क्या किए जाते हैं? समसूत्री विभाजन किए जाते हैं। और समसूत्री विभाजन में, जैसा कि आपको पता है, गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर सभी कोशिकाएं जो बनने वाली हैं, ये सभी 2N यानी कि द्विगुणित होंगी। कैसी होंगी? द्विगुणित। क्यों? क्योंकि समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या में कोई चेंज नहीं आता है। तो सभी कोशिकाएं कैसी होंगी बेटा? 2N। यहां मैं बना देता हूं 2N 2N सारी कोशिकाएं, ये लीजिए। और भी बना सकते हैं, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब याद कीजिए, ये कौन सी प्रावस्था है? जब एक आधा जनन कोशिका कंटिन्यू मल्टीपल होके, मल्टीप्लाई करके, गुणित होकर क्या बनाती है? स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। स्पर्मेटोगोनिया। इस प्रावस्था को हम नाम देते हैं गुणन प्रावस्था। याद कीजिए, हमने कहा था गुणन प्रावस्था में क्या होता है कि एक आद्य जनन कोशिका या सभी आद्य जनन कोशिकाएं क्या करती हैं? लगातार समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होकर किसका निर्माण करती हैं? स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। गुणन प्रावस्था के बाद अब क्या होता है? कोई सी भी एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, लेकिन अभी भी ये कैसी रहती है? द्विगुणित रहती है। कैसी रहती है? द्विगुणित। और इस अवस्था में क्या हुआ है? केवल एक स्पर्मेटोगोनिया के आकार में वृद्धि हुई है। तो इस अवस्था को कहा जाता है वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज। इसको अब हम नाम क्या देते हैं? तो स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अगर ये चित्र समझ में आ जाता है ना भाई, वैसे तो अगर आपको डिटेल याद है तो चित्र याद है, लेकिन अगर ये चित्र याद हो जाता, डिटेल ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ये गारंटी है। चलिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, अब यानी कि देखो, गुणन प्रावस्था हो गई हमारी, वृद्धि प्रावस्था हो गई, अब कौन सी प्रावस्था आती है? तो वृद्धि प्रावस्था के बाद हमें पता है कौन सी प्रावस्था आती है? परिपक्वन प्रावस्था। तो परिपक्वन प्रावस्था में क्या होती है? यह डिवाइड होती है किसके द्वारा? तो मियोसिस फर्स्ट के द्वारा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस
फर्स्ट, और दो कोशिकाएं बनती हैं जो कि, अब याद कीजिए, जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या आधी कर दी जाती है। कितनी हो गई? 2n का आधा n, n, इन दो कोशिकाओं में अर्ध गुणसूत्र की संख्या हो गई। हालांकि दोनों कोशिकाएं बराबर हैं, ये छोटी लग रही है तो बड़ी कर देता हूं थोड़ी सी, ये लीजिए, ठीक है, बराबर लग रही है, दो कोशिकाएं बन गई। कौन सा विभाजन? म्यूसिस फर्स्ट। म्यूसिस फर्स्ट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये कौन है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए, अब फिर से ये क्या करती है? डिवाइड करती है, डिवीजन करेगी। कौन सा? तो अब विभाजन होगा हमारे पास म्यूसिस सेकेंड। म्यूसिस सेकेंड कौन सा विभाजन होगा बेटा? म्यूसिस सेकेंड। और म्यूसिस सेकेंड किसमें होता है? आपको पता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और क्या बनती है यहां पर? फिर से अगणित कोशिकाएं ही रहेंगी और इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम स्पर्मेटिड्स नाम देते हैं, स्पर्मेटिड्स या शुक्राणु पूर्वी। क्या नाम देते हैं इनको? शुक्राणु पूर्वी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर म्यूसिस फर्स्ट 2n हमें पता है सर, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी आधी हो जाएगी, तो यहां पर हो गया nn। पर सर जब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा, जब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तो यहां पर n/2 होना चाहिए था प्रत्येक सेल में। तो याद कीजिए बेटा, अर्धसूत्री विभाजन दो बार होता है, आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन में चार कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट तो क्या होता है? बिल्कुल अर्धसूत्री विभाजन है, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है उसमें वास्तव में वो किसके समान होता है? समसूत्री विभाजन के। यानी कि यहां पर गुणसूत्र की संख्या n/2 नहीं होगी, अब क्या नहीं होगी? n/2 नहीं होगी, और किसके समान होता है? क्योंकि समसूत्री विभाजन के समान। तो अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है, म्यूसिस सेकंड, उसमें n गुणसूत्र ही रहते हैं। और अब ये हमारे पास कौन सी कोशिकाएं बन गई हैं? शुक्राणु पूर्वी। तो ये यहां से लेकर यहां तक की कंडीशन हमारी कौन सी है? इसको कहते हैं हम मैच्यूरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था। तो यहां से लेकर यहां तक इसको हम पहली हेडिंग नाम देते हैं। कौन सी हेडिंग है सर? स्पर्मेटिड्स का निर्माण। तो ये पहली हेडिंग हो गई स्पर्मेटिड्स का निर्माण, शुक्र जनन की क्रिया में पहली हेडिंग स्पर्मेटिड्स का निर्माण। दूसरी हेडिंग क्या है? शुक्र कायांतरण या शुक्राणु जनन। तो अब इसके बाद क्या होता है बेटा? चारों कोशिकाओं से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बहुत जगह है आज। चारों कोशिकाओं से क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये क्या बन गए? शुक्राणु। थोड़े साइज में छोटे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे बराबर कर देते हैं लगभग। तो ये क्या है बेटा? ये हैं शुक्राणु। ये क्या हैं? अब इनको नाम देंगे हम शुक्राणु। स्पर्म भी इसी को कहते हैं, या फिर स्पर्मेटोजोआ भी इसी को कहा जाता है। तो अब देखो, ये पहले इसका चित्र बना लें, और इस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इस क्रिया को नाम देते हैं हम शुक्राणु जनन। क्या नाम देंगे? शुक्राणु जनन। स्क्रीनशॉट ले लें पहले, हो गया। अब क्वेश्चन कैसे भी बन जाए, कितनी कोशिकाओं से कितने क्या बनेंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक की कहानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने भी विभाजन हो सकते हैं, कितनी भी स्पर्मेटोगोनिया बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? या तो यहाँ से इनका पूछा जाएगा, या फिर यहाँ से इनका पूछा जाएगा, या इनका पूछा जाएगा, या फिर यहाँ से इनका पूछा जा सकता है। तो ये हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है बेटा? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे स्पर्म कितने बनेंगे? एक से चार। अब कितनी भी संख्या दी जा सकती है, 25। एक फेमस क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? कि 25 हमारे पास क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, इनसे कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा? तो आंसर है बेटा कितना? 100। कितना होगा आंसर? 100। तो ये जो चित्र दिया हुआ है हमारी बुक में, इसको आपको बना लेना है बिल्कुल ऐसे के ऐसे। और अब हमारी दूसरी हेडिंग जो है, शुक्र जनन की क्रिया पर हार्मोनों का नियंत्रण या हार्मोनल नियंत्रण, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो हो गया, इसको हटा दिया जाए। अब चलिए, तो शुक्र जनन की क्रिया में कोई दिक्कत नहीं होती है बेटा, और शुक्र जनन की तुलना में अंडजनन की जो क्रिया है वो थोड़ी सी टफ होती है। हालांकि मुझे पक्का विश्वास है
पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा और मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम? हेडिंग डालेंगे शुक्राणु निर्माण का हार्मोनल नियंत्रण। शुक्राणु निर्माण का हार्मोनल नियंत्रण, यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण पर, जो मानव में शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, इन शुक्राणु निर्माण की क्रिया पर किस प्रकार से और कौन कौन से हार्मोन अपना नियंत्रण रखते हैं, किस किस हार्मोन के नियंत्रण में शुक्राणु का निर्माण होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शुक्राणु का निर्माण बचपन से ही नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब वृषणों का निर्माण होता है, जब वृषण बनते हैं तो ये उदर गुहा में ही होते हैं। अब मानव में तो पाए नहीं जाते, केवल किस में होंगे? नर में होंगे। तो ये पहले कहाँ होते हैं? वृषण कोष में तो स्थित होते हैं, लेकिन वृषण कोष खुद कहाँ होता है? उदर गुहा के अंदर, यानी कि पेट के अंदर। लेकिन सातवें महीने में हमने देखा था कि ये वृषण कोष की सहायता से कहाँ उतर आते हैं? शरीर के बाहर आ जाते हैं। वृषण कोष में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम करना था, कम टेम्परेचर पर ही शुक्राणु का निर्माण हो सकता है। इसके बाद हमने बात की क्या, अब आपको पता है कि वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, लेकिन कब होता है? तो ये स्टार्ट होता है बेटा जब नर प्यूबर्टी को हासिल करता है। किसको? यौवनारंभ जब स्टार्ट होता है तो उसके वृषणों में किसका निर्माण शुरू हो जाता है? शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है। यानी कि एज की बात करें तो 12 से 14 वर्ष की उम्र में नर में शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कब की बात करें तो यौवनारंभ के बाद नर में किसका? शुक्राणु का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो सर अचानक कैसे हुआ? तो देखिए इस चार्ट को बना लेना है जिसमें सारे सवालों के जवाब यहाँ से मिल जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। जैसे ही नर 12-14 साल का हुआ है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक हार्मोन का रिलीज करती है, हार्मोन का स्त्रवण करती है। क्या नाम है? GnRH, गोनेडोट्रोपिक या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है ये? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। 11th में आपने पढ़ा होगा, यहां पर बल्ब का फोक्स नहीं आ रहा। 11th में आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो, कि GnRH वह हार्मोन है जिसका स्त्रवण हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। और आपको यह भी पता है कि हाइपोथैलेमस जितने भी हार्मोन का स्त्रवण करता है वो ज़्यादातर कहाँ अटैक करते हैं? सीधे पीयूष ग्रंथि पर। और पीयूष ग्रंथि पर भी ज़्यादातर कहाँ? अग्र पीयूष ग्रंथि पर। क्योंकि आपको पता है पीयूष ग्रंथि में दो पालियाँ होती हैं, कौन कौन सी? अग्रपाली एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पश्चपाली न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो पीयूष ग्रंथि कितने पार्ट होते हैं? दो, अग्रपाली पश्चपाली, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या निकालती है? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो GnRH हार्मोन है ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि पर असर करती है। तो हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजा किसके पास? पीयूष ग्रंथि के पास। किसके पास? पीयूष ग्रंथि के पास। आपको पता है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। और हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्रंथि तो कौन सी है? पीयूष। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड तो वो कौन कहलाएगी? हाइपोथैलेमस। अगर आपको याद नहीं है तो इसको नोट कर लेना पेज के ऊपर, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, यानी कि मास्टर का भी मास्टर, हेड मास्टर। तो हाइपोथैलेमस द्वारा एक हार्मोन का स्त्रवण किया गया GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी कि ये ऐसा हार्मोन है जो गोनेड्स पर असर करवाना चाहता है। अब ये डायरेक्ट असर किस पर करता है? पहले पीयूष पर, और पीयूष को कहेगा कि कहाँ असर करना है बेटा? गोनेड्स पर। और गोनेड्स का मतलब आप समझते हो, गोनेड्स का मतलब नर में बात करें तो वृषण और मादा में बात करें तो अंडाशय। रिलीजिंग हार्मोन इसका मतलब है यह हार्मोन जाकर इससे कुछ रिलीज करवाएगा। तो सिंपल सा नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। अब पीयूष ग्रंथि के पास जैसे ही GnRH आता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा LH और FSH नामक दो हार्मोनों का स्त्रवण किया जाता है। सर फिर ये क्या है? ये है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या है?
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनके और भी जो काम हैं वो आगे चर्चा करते चलेंगे हम। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसका नाम है, LH का पूरा नाम है, और FSH का नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब पुटिका प्रेरक हार्मोन। पुटिका प्रेरक हार्मोन किसका पूरा नाम है, FSH का। तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, सिंपल से याद है। अब देखिए LH किसके द्वारा निकला है बेटा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, और FSH किसके द्वारा निकला है, ये भी पीयूष ग्रंथि द्वारा। और पीयूष ग्रंथि में भी बात करें तो हम कौन आएगी, अग्र पीयूष ग्रंथि। कौन सी पीयूष ग्रंथि, तो मैं यहां लिखे भी देता हूं साथ में, अग्र पीयूष ग्रंथि। चलिए अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर असर करेगा, तो इससे याद करना है हमें L से, L यानी कि लीडिंग, L से याद करना है हमें लीडिंग सेल्स। LH का पूरा नाम तो क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, लेकिन इसी LH से हमें याद रखना है लीडिंग सेल्स, यानी कि LH किस पर जाकर असर करेगा, लीडिंग सेल्स पर। लीडिंग कह दो, लीडिंग कह दो, लीडिंग कह दो, कुछ भी कह सकते हैं, लीडिंग सेल्स पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं हम, लीडिंग या लीडिंग सेल्स पर असर करता है, बस खत्म कहानी। अब आपको पता है लीडिंग सेल्स, याद कीजिए ये हमारे पास शुक्रजनन नलिका है, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, होगी यहाँ पर जो कोशिकाएं पड़ी रहती हैं इनको हम अंतराली इंटरस्टियल सेल्स या लीडिंग सेल्स कहते हैं, याद आ रहा है आपको। तो ये अब आपको पता है ये किस काम को करती हैं लीडिंग सेल्स, तो बेटा ये एंड्रोजन्स का स्त्रवण करती हैं, किसका स्त्रवण, एंड्रोजन्स का। तो लीडिंग सेल्स का काम क्या लिखूंगा मैं, एंड्रोजन, एंड्रोजन का स्त्रवण, किसका स्त्रवण, एंड्रोजन। और मुख्यतः इसमें कौन आता है, टेस्टो स्टेरॉन। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन बॉडी से निकलेगा, वृषण से निकलेगा, तो क्या होगा, नर में लैंगिक लक्षणों का विकास होगा, यानी कि सारा कंट्रोल देखिए कहां पर है, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस ने GnRH निकाला, इसने पीयूष ग्रंथि को कहा अपने हार्मोन निकालो, तो इसने LH निकाला, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH लीडिंग सेल्स पर काम करता है, कहां है लीडिंग सेल्स, ये रहे शुक्रजनन नलिका के बाहर की ओर। लीडिंग सेल्स क्या करती है, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती है, और टेस्टोस्टेरोन हम क्या जानते हैं, नर का प्रमुख हार्मोन है। नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है या कौन सा लिंग हार्मोन होता है, तो आंसर होता है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन। इसके द्वारा क्या किया जाता है, नर में जो लैंगिक लक्षण है जैसे कि आवाज का भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, जननांग में बालों का विकास होना, त्वचा पर तेलीय ग्रंथियों का बढ़ जाना, तो ये सारे लक्षण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि आवाज का चेंज होना कब स्टार्ट होगा, किस एज में शुरू होगा, आ गया होगा आंसर, चलिए अच्छी बात है। इसी प्रकार से अब देखिए दूसरा हार्मोन क्या है हमारे पास, FSH पुटिका प्रेरक हार्मोन। अब इसमें एस को पकड़ लो बेटा, और एस का मतलब क्या है, यहां पर सर्टुली कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, सर्टुली कोशिकाएं। अब सर्टुली कोशिकाओं के दूसरे नाम है धात्री कोशिका, आलंबन कोशिका, नर्स कोशिका, ये किसके नाम है सारे, सर्टुली कोशिकाओं के। तो अब सर्टुली कोशिकाएं आपको पता है सर्टुली कोशिकाएं क्या करती हैं, सर्टुली कोशिकाओं में अभी हमने देखा था कि शुक्राणु का जब विकास होता है, शुक्राणु जब बनते हैं तो इनका शीर्ष शुक्राणुओं का कहां दशा होता है, सर्टुली कोशिकाओं, और सर्टुली कोशिकाएं क्या करती हैं, इनको शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। तो FSH किस पर असर करेगा, सर्टुली कोशिकाओं को। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ा, शुक्राणु का उत्पादन बढ़ा, शुक्राणु का उत्पादन बढ़ा तो दूसरा हार्मोन FSH क्या काम करता है, सर्टुली कोशिकाओं एक्टिव करता है, और सर्टुली कोशिकाओं शुक्राणु को क्या देती है, पोषण देती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, शुक्रजनन की क्रिया पर हार्मोनल नियंत्रण। तो क्या समझे, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, उसके द्वारा GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। किस पर जाकर असर करता है, अग्र पीयूष ग्रंथि पर, अग्र पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन निकालेगी, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन। LH L से पकड़ा लीडिंग लीडिंग सेल्स, इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण, और FSH जो है पुटिका प्रेरक हार्मोन, ये क्या करेगा, सर्टुली कोशिकाओं पर असर करेगा। तो ये है हमारा किसके द्वारा कंट्रोल, हार्मोनों के द्वारा कंट्रोल किस पर, शुक्राणुओं के निर्माण। आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, समझ में अच्छी तरह आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, और आज भी टेस्ट है, आज टेस्ट है 12th का, उसमें ये चैप्टर जो लेक्चर है ये उसमें ऐड होगा आज के टेस्ट। तो इसी प्रकार
हम से प्यार करते रहें, आप हमारे चैनल से प्यार करते रहें, वीडियोज को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भेजें उनके पास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।